मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। आज का आखिरी सूत्र, रात्रि को जब भोजन करें, रात्रि को, तो कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद आराम न करें, ये उल्टा। रात्रि को, रात्रि से तो मतलब है शाम, रात्रि भोजन तो है ही नहीं कहीं भी आयोग, किसी शास्त्र में रात्रि भोजन का जिक्र नहीं है, सब जगह संध्या भोजन की बात है। संध्या भोजन माने सूर्यास्त से 48-50 मिनट पहले का भोजन। तो जब भी शाम का खाना खाएं तुरंत आराम करें, क्योंकि शाम को क्या होता है, सूर्य तो है नहीं, चंद्रमा का ताप शुरू है। अब चंद्रमा शीतल है तो ब्लड प्रेशर कम है, शाम को, दोपहर को वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है खाना खाते समय, शाम को वही कम है। अब कम ब्लड प्रेशर हो तो आराम न करें, नहीं तो खतरा है हार्ट अटैक आने का। जब बीपी बढ़ता है तो आराम करना चाहिए, जब बीपी घटता है तो काम करना चाहिए। तो शाम को भोजन के बाद कुछ काम करें, कितनी देर, 2 घंटे, उसके बाद ही आराम। दोपहर के भोजन के बाद 48 मिनट आराम करें कम से कम, अधिक से अधिक 1.5 घंटा होता है। शाम को भोजन के बाद 2 घंटे आराम करें, नहीं सॉरी, 2 घंटे तक काम करें, उसके बाद आराम। अब आप बोलेंगे कुछ काम नहीं है तो इतना ही करें कि पैदल चलें 1000 कदम, 500 कदम, 700 कदम शाम को खाने के बाद घूमें, ये बहुत जरूरी है, माताओं के लिए बहुत जरूरी है, बुजुर्गों के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेरा तो आपको एक छोटा सा निवेदन है, वो ये कि सवेरे जो आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं वो शाम को कर लीजिए। शाम के भोजन के बाद की जो वॉक है वो सबसे ज्यादा शरीर के लिए अनुकूल है, शाम को। तो आप अगर सुबह घूमने जा रहे हैं जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है शाम को जरूर जाएं, खाना खाने के बाद भले एक चक्कर लगा के चलें, कुछ अध्ययन करें, अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, 2 घंटे का समय बिताना है, उसके बाद ही बिस्तर पर जाएं सोने। तो ये खाने के कुछ नियम थे, एक दो नियम और बता के खत्म ही कर दूं, फिर कल नया चलता है। और एक आखिरी नियम है खाने का, खाने के बाद जब आप आराम करेंगे तो आराम करने के लिए नियम है, वैसे तो वो कल आ जाए तो भी, लेकिन आज है, जुड़ा हुआ होगी, खाना खाते ही दोपहर को आराम करें और रात को आराम करें 2 घंटे के बाद। सिर्फ हमेशा रात्रि भोजन के बाद भोजन करने के तुरंत बाद पैदल चल सकते हैं, और जो पैदल चलने की कोई मजबूरी हो तो फिर वहां भी वज्रासन में